हेलो जी, वेलकम बैक टू फादिफाहदखान6 रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर, और इस वीडियो का नाम है टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो ये वीडियो जो है वो इंडिया के 10 रिचेस्ट यानी सबसे अमीर तरीन स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट है इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे और देखेंगे कौन से वो 10 स्टेट है जो अमीर है इंडिया में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मैं आगे जाने से पहले आपसे छोटे से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के 10 धनी शहर के बारे में। 2018 से 2019 साल के अंदर भारत के 10 धनी प्रदेश कौन कौन है वो हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। सदियों से भारत महादेश एक महान देश बना हुआ है और समय समय पे इस देश की अर्थनीति व्यवस्था पर भी सुधार आया है। पूरे विश्व में जितने भी धनी देश है उससे GDP अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द्वारा विश्लेषण करके दुनिया के सबसे अमीर देशों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एज पर 2016 की सूची के अनुसार हिंदुस्तान की GDP 8.80 ट्रिलियन था, जो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बनाता है। चलिए अब जानते हैं भारत के अंदर अमीर प्रदेश कौन कौन है। लिस्ट में उन प्रदेशों के नाम बताने के साथ साथ ये भी बताऊंगा उस प्रदेश की GDP के साथ विश्व की कौन सी देश को कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है सेंट्रल इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की नॉमिनल GDP है 116 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 8.26 लाख करोड़। मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे शहर मौजूद हैं जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर। मध्य प्रदेश की GDP के साथ हम लोग मोरक्को देश का तुलना कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 9 पर है साउथ इंडियन स्टेट केरला। केरला की नॉमिनल GDP है 120 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 8.75 लाख करोड़ रुपये। आप लोगों को बता दूँ GDP के अलावा भी केरला में और भी कई सारी चीज़ों में पहले नंबर पर है। शिक्षित लोग भी केरला में सबसे ज़्यादा है। केवला में कोची, तिरुवनंतपुरम, थ्रू जैसे शहर मौजूद है। केवला की GDP बताओ यार कमेंट में, शिक्षित क्या कर सकते हैं, क्या होता है। लिस्ट में नंबर 8 पर है तेलंगाना। कुछ साल पहले ही आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना नाम के अलग राज्य बनाया गया है। तेलंगाना की नॉमिनल GDP है 121 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 9.27 लाख करोड़ रुपए। तेलंगाना की GDP के साथ हम कुवैत को कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नॉमिनल GDP है 150 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 10.49 लाख करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में अमरावती, तिरुपति, विजयवाड़ा, वाइजाग जैसे शहर मौजूद है। देश की GDP के साथ हम कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की नॉमिनल GDP है 190 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 13.15 लाख करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे बड़े शहर मौजूद है जैसे कोलकाता, दुर्गापुर, आसानसोल, हावड़ा, बर्धमान, सिलीगुड़ी। बंगाल की GDP के साथ हम एंगेला की कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है गुजरात। गुजरात की नॉमिनल GDP है 213 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 14.96 लाख करोड़ रुपए। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, गांधीनगर और यहाँ पे न्यू फाइनेंशियल शहर बनाया जा रहा है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। गुजरात के GDP के साथ हम इजिप्ट का तुलना कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है भारत की दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नॉमिनल GDP है 220 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 15.79 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा, प्रयागराज जैसे शहर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की GDP के साथ हम इजिप्ट को कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है कर्नाटका। कर्नाटका की नॉमिनल GDP है 230 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 15.28 लाख करोड़ रुपए। कर्नाटका की अंदर बेंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, हप्पी जैसे शहर मौजूद है। कर्नाटका की GDP के साथ हम पुर्तगाल की कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की GDP है 260 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 17.25 लाख करोड़ रुपए। तमिलनाडु में चेन्नई, मदुराई, कोयम्बतूर, तिरुपुरचोली, ओटी जैसे शहर मौजूद है। तमिलनाडु के GDP के साथ हम फिनलैंड की कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट में पहला और आखिरी प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नॉमिनल GDP है 420 बिलियन, भारतीय मुद्रा में 7.96 लाख करोड़ रुपए। और महाराष्ट्र की GDP भारत की किसी भी प्रदेश के GDP से काफ़ी हाई है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई भी शामिल है जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है।
इसके अलावा पुणे, नागपुर, नासिक, सोलापुर, थाने, नवी मुंबई जैसे शहर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र की जीडीपी के साथ हम ईरान की कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें भारत के कई सारे छोटे प्रदेश लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उन प्रदेश की जीडीपी बड़े प्रदेश से कम होने की वजह से। ये तो था हमारे देश के 10 सबसे अमीर प्रदेश। तो आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ उन सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद। इंडिया की काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने सुना था, बट मैंने ये नहीं देखा था कि यार कौन से 10 वो रिचेस्ट यानी अमीर तरीन स्टेट है। नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जहाँ पे मुंबई है, मुंबई क्यों आ गए, महाराष्ट्र क्यों आ गए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ बनती है, तो ये सबसे आगे इस वजह से। और दूसरा वो तमिलनाडु, चेन्नई ऐसी जगह, वो साउथ इंडियन मूवी है, तो ज़्यादा रोल ये जीडीपी में बॉलीवुड की मूवीज़ हो गई। मूवीज़ भी काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर रही है, काफ़ी अच्छा मतलब रोल कर रही है कि हमारे जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ है उससे काफ़ी जीडीपी आगे जा रही है, क्योंकि यार इतने करोड़ों में आपके मूवीज़ चली जाती है तो आपका जीडीपी भी तो आगे होना चाहिए। इंडिया तीसरे नंबर पर आता है अमीर तरीन देशों में, बट इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे भी है, तो ये भी है, बट अमीर तरीन मुल्कों में इसको तीसरे नंबर पे जीडीपी के हवाले से तीसरे नंबर पे माना जाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र पे माना जाता है मुंबई, जहाँ पे मुंबई, पुणे, न्यू मुंबई, काफ़ी जगह ताने ऐसी जगह हैं। और ताने से याद आया, ताने से इंडियन फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ था, ताने मुंबई से ताने के बीच में इंडिया का पहला ट्रेन स्टार्ट हुआ था। वीडियो से मैं इंडिया के बारे में पता करता हूँ और देखता हूँ कि यार इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें आगे हैं, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी। बट ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डेविड यूट्यूब चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, इनको सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसलिए अच्छी लगी कि यार मुझे पता चला कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 8 पे कौन है, नंबर 9 पे कौन है, नंबर 5 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है, इस वजह से मुझे पता चला। और इंडिया की जीडीपी काफ़ी हाई है, इंडियन जीडीपी जो है आई थिंक अभी जो है वो चाइना को टक्कर मार रही है, तो चाइना से काफ़ी आगे जाने वाली है इंडियन जीडीपी, और इंडिया सबसे आगे जीडीपी के हवाले से सबसे आगे जाएगा। जीडीपी इस वजह से भी आगे जा रही है बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़, इनकी वजह से भी, ट्रेडिंग के हवाले से भी, तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडियन जीडीपी आगे जाती है और जा रही है इन की वजह से। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऊपर ऊपर मिल सके। कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज के लिए देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।